नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। एल्गी में ओडोगोनियम की लाइफ साइकिल, जो कि एक ग्रीन एल्गा है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, और लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है क्योंकि दो तरह की स्पीसीज नैनेंड्रस एंड मैक्रेंड्रस होने के कारण और स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होने के कारण आपने अभी इसकी लाइफ साइकिल देखी। अब दूसरा जीनस हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉलीसाइफोनिया है, जो शो करता है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की लाइफ साइकिल। इसके केस में ये एक रेड एल्गा है। रेड एल्गा के बारे में आपको मालूम है, जनरली रेड एल्गी मरीन होती हैं, समुद्र के पानी में मिलती हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर हैं, मेजॉरिटी ओशन में मिलती हैं, ट्रॉपिकल या टेम्परेट ओशन में मिलती हैं। तो पॉलीसाइफोनिया के केस में जो हम अभी डिस्कस करने जाएंगे, इसकी हैबिटेट ये ट्रॉपिकल एल्गा है जो कि टेम्परेट एरिया ओशंस में मिलता है या ट्रॉपिकल ओशंस में मिलता है, और इसका प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी है क्योंकि ये रिपीटेडली डिवाइडेड ब्रांचेस में होती है। और कुछ स्पीसीज के केस में जो प्लांट बॉडी है इसमें दो सिस्टम्स होते हैं, प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम। प्रोस्टेट सिस्टम का मतलब है जो कि सबस्ट्रेटम के पैरेलल चलता है, और ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट्स इसी में होते हैं जिससे कि इस पॉलीसाइफोनिया को ये अटैच करने में मदद करता है। एरियल पार्ट जो इरेक्ट सिस्टम है वो फर्टाइल ब्रांचेस भी उसमें होती हैं और वेजिटेटिव ब्रांचेस भी उसमें होती हैं। देखने से ये बड़ी बुशी अपीयरेंस इसमें है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट फीचर पॉलीसाइफोनिया, जैसे आपको मालूम है कि ये रेड एल्गा है, इसमें सबसे स्पेशल पिगमेंट्स हैं फाइकोबाइलिन पिगमेंट्स, जो कि फाइको इरिथ्रिन या और साथ में फाइकोसाइनिन है। इन दो पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से और फाइको इरिथ्रिन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से पॉलीसाइफोनिया जहां पर भी ग्रो करता है ये लाल रंग की एल्गी के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, और उस एरिया में उस पानी का भी कलर रेड कलर दिखाई पड़ता है क्योंकि ज्यादा अमाउंट फाइको इरिथ्रिन होने के कारण इसका जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ढक जाता है और फाइको इरिथ्रिन ज्यादा उभर के इसमें आता है। तो अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स इसमें होते हैं, कई सारे जेंथोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है, और साथ में फाइको इरिथ्रिन इसमें पिगमेंट होता है। इसके अलावा इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। मोटाइल सेल्स इसमें एब्सेंट होती हैं और प्लांट बॉडी कई साइफन्स में डिवाइडेड होती है, सेंट्रल साइफन एंड पेरी सेंट्रल साइफन, जिसकी वजह से इसका नाम पॉलीसाइफोनिया हमने दिया है। पॉलीसाइफोनिया में ये प्लांट बॉडी दूर से देखने में एक बुशी अपीयरेंस की तरह से दिखाई पड़ती है। इसको देख के हमेशा ये ध्यान में आता है कि ये कोई हायर प्लांट है, ये एल्गा की तरह से इसकी अपीयरेंस नहीं है। एल्गा में हमें मालूम है कि रूट्स स्टेम्स और लीव्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन दूर से देखने में इसमें रूट्स स्टेम्स लीव्स की तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं जो कि स्यूडो स्ट्रक्चर्स है। पास से हम इसको देखेंगे तो ये जो प्लांट बॉडी इसकी बनी हुई है ये वेजिटेटिव प्लांट बॉडी, वेजिटेटिव सेल्स इसमें कई तरह की हैं, जो कि बाहर की तरफ इसमें पेरी सेंट्रल सेल्स हैं, अंदर की तरफ सेंट्रल सेल्स हैं जो
एक छोटा सा पोर्शन इसका यहाँ पर दिखाया गया, बीच का पोर्शन ये सेंट्रल पार्ट है। माइन्यूटली देखने पर इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसमें हमें दो तरह की ब्रांचेस दिखाई पड़ेंगी, एक तो ट्राइकोब्लास्ट है जो कि कलरलेस दिखाई पड़ती है, दूसरी मेन ब्रांचेस हैं जो कि कई सारी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। ये जो सेल्स हैं इसमें बाहर की तरफ पेरिसेंट्रल सेल्स लगी होती हैं और सेंटर में जो होता है उनको हम सेंट्रल साइफन कहते हैं। इसको आप ऐसे इमेजिन करें, दिस इज द सेंट्रल साइफन, इसके चारों तरफ पेरिसेंट्रल सेल्स लगी हुई होती हैं जिनका नंबर 4 से लेके 24 तक हो सकता है। तो इसके बाहर ये जो पेरिसेंट्रल सेल्स हैं एक सेंट्रल साइफन के चारों तरफ हैं। तो ये छोटा सा डायग्राम आपको इसको दिखाने के लिए बनाया है, दिस इज द सेंट्रल साइफन सराउंडेड बाय पेरिसेंट्रल सेल्स। ये पेरिसेंट्रल सेल्स जो हैं इनको अगर हम इनका सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीच में इस सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स हैं वो पेरिफेरी की तरफ होते हैं। एक सेल के अंदर आपको बीच में एम्प्टी पार्ट दिखाई पड़ेगा वैक्यूल के फॉर्म में। और ट्राइकोब्लास्ट जो ये सेल ये वाली है पतली वाली जो ब्रांचेस हैं जिनको हम ट्राइकोब्लास्ट कह रहे हैं, ये फर्टाइल ब्रांचेस हैं। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हमेशा इन ट्राइकोब्लास्ट में ही बनते हैं जो कि पॉइंटेड फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे हैं और इतनी वेल डेवलप्ड ये नहीं होती हैं। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती हैं, लिमिटेड मींस इनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है और दे गिव राइज टू मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स, जैसा आपको यहाँ इस वाले डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है कि ये मेल स्ट्रक्चर है और ये सब फीमेल स्ट्रक्चर्स इसमें डेवलप हो रहे हैं। तो ये याद रखने की बात है कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हमेशा इन ब्रांचेस में जिनको हम ट्राइकोब्लास्ट कह रहे हैं या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं इसी में ही प्रोड्यूस होंगे। ये वाला पोर्शन एक ट्रांसवर्स सेक्शन इस सेंट्रल और पेरिसेंट्रल साइफन का टीएस काट के दिखा है, क्रॉस सेक्शन, जिसमें आप देख रहे हैं सेंट्रल कोर है, अंदर की तरफ जो सेल दिख रही है सेंट्रल सेल है और इसके चारों तरफ मैंने कहा 4 से 24 सेल्स लगी होती हैं। अगर आप सेक्शन काटोगे तो आपको इस तरह का ये पेरिसेंट्रल सेल चारों तरफ लगी हुई दिखाई पड़ेगी सेंटर में, दिस इज द सेंट्रल सेल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जीनस, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट शोज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को हम कितने तरह के फेजेस हैं इसमें ये एंड में आपको समझ में आएगा। अभी हम देख रहे हैं कि मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स इसमें बड़े इंटरेस्टिंग हैं और मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स हमेशा इन ट्राइकोब्लास्ट में ही डेवलप होते हैं। दिस इज द मेल स्ट्रक्चर। लाइफ साइकिल में आप देखेंगे मोटाइल सेल्स हमने कहा कि इसमें एबसेंट होती हैं, कोई फ्लैजेला नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन इसके केस में उगेमस टाइप का होता है, हाईली उगेमस टाइप का। तो जिस ब्रांच में ये मेल स्ट्रक्चर बनता है ये एक फ्रक्टिफिकेशन, एक फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ता है जो कि ये स्पर्मेटेंजिया है। ये एग्रीगेट होके एक गुच्छे के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल अगर आप देखेंगे तो ये बीच वाली जो सेंट्रल सेल है और एक लेयर की पेरिसेंट्रल सेल है, इससे स्पर्मेटेंजियल मदर सेल निकलती है जो रेड लेयर आपको दिखाई पड़ रही है। ये सेंट्रल सेल इट गिव्स राइज टू स्पर्मेटेंजियल मदर सेल और हर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल 2 से लेके 4 तक स्पर्मेटेंजिया बनाती है। बाहर वाला जो ब्लैक लेयर दिख रही है आपको, दीज आर द स्पर्मेटेंजिया। मोटाइल सेल्स एब्सेंट है तो स्पर्मेटेंजिया जो है ये दे विल गिव राइज टू, दिस इज 1 स्पर्मेटेंजियम, इट विल गिव राइज टू, इसका सेल कंटेंट राउंड हो जाएगा। ये नॉन मोटाइल स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेशियम। स्पर्मेशियम इज द मेल स्ट्रक्चर, इट इज नॉन मोटाइल, थिन वॉल्ड एंड इज प्रोड्यूस्ड इन साइड द स्पर्मेटेंजियम। तो ऐसे कई सारे स्पर्मेटेंजिया, ये सारे स्पर्मेटेंजिया है, इनके अंदर से कई सारे स्पर्मेशिया निकलते हैं। स्पर्मेशिया मेल स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर करेंट्स के साथ ये फ्लैजेला नहीं होने से वाटर करेंट्स इनको जहां ले जाती हैं ये उससे डिसेमिनेट होते हैं एंड दे रिमेन इन सर्च ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर। स्पीसीज में भी मोनोशियस और डायोशियस, जिसको हम होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक कहते हैं। मोनोशियस का मतलब है कि अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो मोनोशियस स्पीसीज कहलाती हैं।
इसके केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पर्मेशिया जो है वो एक ब्रांच में बनते हैं और दूसरे प्लांट की ब्रांच में फीमेल स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको। ये दूसरी ब्रांच है, इसकी ट्राइकोब्लास्ट है जिसमें कि डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल स्ट्रक्चर। फीमेल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और कई तरह के इसमें डेवलपमेंट होते हैं। यहाँ पर आप ये फीमेल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। तो ये ट्राइकोब्लास्ट है, ट्राइकोब्लास्ट इट विल गिव राइज टू अ सपोर्टिंग सेल। पहली वाली जो रेड कलर से दिखाई गई सेल है ये सपोर्टिंग सेल कहलाती है। ये कहां से बनी? ट्राइकोब्लास्ट ने एक सपोर्टिंग सेल बनाई। सपोर्टिंग सेल गिव्स राइज टू अ फिलामेंट कंसिस्टिंग ऑफ फोर सेल। चार सेल का एक फिलामेंट ये सपोर्टिंग सेल बनाती है जिसको हम कार्बोगोनियल फिलामेंट कहते हैं। इसमें ऊगोनियम न कहके हम इसको कार्बोगोनियल फिलामेंट कहते हैं। कार्बोगोनियम की जो फिलामेंट की जो टॉप मोस्ट सेल है, सबसे ऊपर की सेल है, इसका एपिकल पोर्शन इलोंगेटेड हो जाता है और ये प्रॉपर कार्पोगोनियम या फीमेल स्ट्रक्चर की तरह से एक्ट करता है। ये चार सेल का आपको कार्पोगोनियल फिलामेंट दिख रहा है और इसके ऊपर ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द प्रॉपर फीमेल स्ट्रक्चर नोन एज कार्पोगोनियम एंड दिस इज द ट्राइकोगाइन। ये इलोंगेटेड क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्पर्मेशियम को रिसीव करेगा यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए, इसकी टिप में ही स्पर्मेशियम अटैच होगा। अब इसके बाद क्या चेंजेस होते हैं? दिस इज द सपोर्टिंग सेल, दिस इज ए फोर सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट और इस टोटल पूरे फिलामेंट को हम इनिशियली प्रोकार्प नाम देते हैं, इसको हम प्रोकार्प कहते हैं। इसकी अगली स्टेज में हम यहाँ देख रहे हैं कि दिस सपोर्टिंग सेल गिव्स राइज टू अ बेसल स्टेराइल सेल, जो यहाँ बिल्कुल बेस में दिख रही है। सपोर्टिंग सेल गिव्स राइज टू बेसल स्टेराइल सेल और लेटरल साइड में तीन चार सेल का लेटरल स्टेराइल सेल, ये चार सेल्स और बन गई। यहाँ पर चार सेल इधर बनी है, एक सेल नीचे बन गई लेटरल स्टेराइल सेल। इनका फंक्शन क्या है? दे आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। न्यूट्रिटिव का फंक्शन होने से क्या है? डेवलपिंग फीमेल स्ट्रक्चर के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। ये अपना डेवलपमेंट के लिए फूड अपना इन सेल से लेता है। तो ये एडिशन इसमें सेल्स का होते चला जा रहा है। सराउंडिंग सेल्स इसको एक शीत के फॉर्म में ढकती रहती हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी सी डेवलप होने लगती है, जैसा आप देख रहे हैं। ये बाकी जो सेल्स हैं ट्राइकोब्लास्ट की, ये इसको कवर करने, शीत की तरह से कवर धीरे धीरे करने लगती है। अल्टीमेटली सपोर्टिंग सेल, देन दिस कार्पोगोनियल फिलामेंट, फाइनली यहां पर आप देख रहे हैं लेटरल स्टेराइल फिलामेंट एंड दिस सपोर्टिंग सेल गिव्स राइज टू अनदर सेल, एक और सेल बनाती है। यहाँ पर सेंटर में एक एडिशनल सेल आपने यहाँ पर देखी, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी सेल। ये ऑक्सिलरी सेल बनने के बाद जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है इसकी दो सेल्स एक किनारे की तरफ खिसक जाती हैं और ये ऑक्सिलरी सेल कार्पोगोनियम प्रॉपर के बिल्कुल पास में आ जाती है, जैसे इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है कि कार्पोगोनियल फिलामेंट की बाकी सेल्स एक किनारे को हो गई, ऑक्सिलरी सेल इससे ऊपर आ गई। और ये सब इवेंट्स जो हैं ये इसको बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी लाइफ साइकिल बनाती है। ये जो ऑक्सिलरी सेल है ये बिल्कुल इसके साथ कार्पोगोनियम के साथ एडजेसेंट बिल्कुल अटैच हो गई है। मीन टाइम ये रेडी हो गया है फर्टिलाइजेशन के लिए। जब तक ये स्टेज आती है स्पर्मेशिया इसके पास तक पहुंचते हैं, कई सारे स्पर्मेशिया, लेकिन सिर्फ एक स्पर्मेशियम आप देख रहे हैं ट्राइकोगाइन के ऊपर अटैच हो गया है, मेल स्ट्रक्चर है ट्राइकोगाइन के ऊपर। और आफ्टर प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी ये जो मेल स्ट्रक्चर है ये इसको फर्टिलाइज कर देगा कार्पोगोनियम को, ये वाला स्ट्रक्चर डिप्लॉइड बन जाता है। नाउ द न्यूक्लियस हियर इन द कार्पोगोनियम बिकम्स डिप्लॉइड, 2x यहां पर हो गया एंड फर्दर चेंजेस टेक प्लेस। धीरे धीरे जैसा ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे ट्राइकोगाइन डिसअपियर होना शुरू होती है, डीजेनरेट होना शुरू होती है, क्योंकि इसका रोल अब खत्म हो चुका है, इसने स्पर्मेशिया को अटैच अपने में करा लिया और इसका फंक्शन खत्म हो गया। धीरे धीरे ये डिसअपियर होने लगता है। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द कार्पोगोनियल फिलामेंट सेल्स दे ऑल्सो स्लोली डीजेनरेट, यहाँ पर ये वाली सेल्स भी डीजेनरेट हो रही है। लेकिन फर्दर चेंजेस क्या होते हैं कि
इस कार्पोगोनियम के अंदर जो डिप्लॉइड सेल बन गया है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है. वन डिप्लॉइड सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू सेल्स और दोनों सेल्स डिप्लॉइड हैं, उसमें से एक न्यूक्लियस नीचे ऑक्सिलरी सेल में आ गया, वहां से ट्रांसफर होके ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है और ऑक्सिलरी सेल में पहले ही एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है. इट विल डीजेनरेट, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ दिस ऑक्सिलरी सेल विल डीजेनरेट. द न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस फ्रॉम कार्पोगोनियम मूव्स टू दिस ऑक्सिलरी सेल. तो ये फर्दर चेंजेस इसमें कई तरह के होते रहते हैं. यहां पर जो नीचे इनिशियल बेसल स्टेराइल इनिशियल था या बेसल स्टेराइल सेल थी, ये भी डिवाइड करके दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, एक से ये दो बन जाते हैं. तो फर्दर जो अगला स्टेज है इसमें, यहां आपने देखा कि दो सेल्स में ये दो न्यूक्लियाई इसमें आ गए. फाइनली ऑल दीज सेल्स दे फ्यूज टुगेदर, सारी के सारी सेल्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं और एक बड़ी सेल यहां पर बनाती है. बड़ी सेल बनने के बाद इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल सेल. प्लेसेंटल सेल हम बाकी सब सेल्स मिलके एक प्लेसेंटल सेल में डिवाइड हो जाएंगी और यहां पर जो इस ऑक्सिलरी सेल थी इसमें एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस रह जाता है. नाउ दिस डिप्लॉइड न्यूक्लियस गिव्स राइज टू स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर्स. यहां पर आप देख रहे हैं बड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए दिस फ्रॉम दिस प्लेसेंटल सेल. एंड बड लाइक स्ट्रक्चर्स इनको हम कहते हैं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स. गोनिमोब्लास्ट इनिशियल आप देख रहे हैं कितना कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है इसकी. जर्मिनेशन होने से पहले, ऊस्पोर बनने से पहले कई सारी स्टेजेस में ये आ जाता है. ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल है, इसके अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था ये माइटोटिक डिवीजन इसमें हुआ. माइटोटिक डिवीजन का मतलब है कि डिप्लॉइड जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉइड ही रहेगा, डिडक्शन डिवीजन नहीं होता है. और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस इस गोनिमोब्लास्ट इनिशियल के अंदर चला गया. फाइनली ईच गोनिमोब्लास्ट इनिशियल विल गिव राइज टू गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स. आप ये इनिशियल की बात देख रहे हैं, एक इनिशियल से एक फिलामेंट बना, दूसरे इनिशियल से दूसरा फिलामेंट बना और इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये हर सेल के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप हो गया. ये स्टेज आने तक जो सराउंडिंग सेल्स हैं दे कंप्लीटली कवर दिस डेवलपिंग फीमेल स्ट्रक्चर. जो फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो रहा है उसको कंप्लीटली कवर कर लेती है. एक राउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये दिखाई पड़ता है जो आप यहां पर देख रहे हैं. फाइनली जो टर्मिनल सेल है इस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की, जिसकी हर सेल डिप्लॉइड है, टर्मिनल सेल राउंड हो जाती है और इसको हम कहते हैं कार्पोस्पोरेंजियम. ईच सेल इज नोन एज कार्पोस्पोरेंजियम. सो देयर आर सो मेनी कार्पोस्पोरेंजिया. जितने गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट होंगे उतने कार्पोस्पोरेंजिया इसके अंदर बन जाएंगे. कार्पोस्पोरेंजियम, एक कार्पोस्पोरेंजियम को यहां पर दिखाया है. इसकी टर्मिनल सेल को हमने कार्पोस्पोरेंजियम कहा. इसका सेल कंटेंट राउंड हो गया. इट विल गिव राइज टू अ नॉन मोटाइल डिप्लॉइड स्पोर विच इज कॉल्ड कार्पोस्पोर. तो आपने देखा कितना बड़ा, कितनी स्टेजेस से आने के बाद फाइनली यहां पर एक डिप्लॉइड स्पोर बना. डिप्लॉइड स्पोर इज कॉल्ड कार्पोस्पोर. कार्पोस्पोर लिबरेट्स आउटसाइड, बाहर आता है जब मेच्योर हो जाता है और इसके ऊपर से निकल के ये बाहर निकलता है. अब हम यहां पर देख रहे हैं ये फाइनली मेच्योर स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है जिसके अंदर कार्पोस्पोर बना है. ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी, ये कैसे राउंड स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि सराउंडिंग सेल्स इसको कवर करके एक शीथ बना लेती हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में ये दिखाई पड़ता है जिसके अंदर आपको गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स दिख रहे हैं. टर्मिनल सेल इज कार्पोस्पोरेंजियम, उसके अंदर कार्पोस्पोर होगा. तो द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टोकार्प. सिस्टोकार्प, अब ये सिस्टोकार्प किसमें बना है, फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर बना है. इसके अंदर डेवलप होके यहां पर बन गया है. इसका मतलब है कि ये सिस्टोकार्प के वाली स्टेज जो है ये इसके अंदर कार्पोस्पोर बन गया. एंड दिस प्लांट इन दिस स्टेज इज नोन एज कार्पोस्पोरोफाइट. इसको हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं. तो शुरू में जो प्लांट था दैट वाज गैमेटोफाइट एंड विच गेव राइज टू मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स.
इस सिस्टोकार्प के बनने वाली स्टेज को हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट जब ये कार्पोस्पोर बाहर निकलता है, इट जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। दिस न्यू प्लांट इज डिप्लॉयड, क्योंकि कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होता है, इसके जर्मिनेशन से जो प्लांट बनता है वो डिप्लॉयड प्लांट है, एंड दिस डिप्लॉयड प्लांट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरोफाइट। सो कार्पोस्पोरोफाइट गिव्स राइज टू टेट्रास्पोरोफाइट। ये एक नया प्लांट इसमें बन गया। दोनों देखने में एक से है, ये प्लांट भी देखने में एक सा है, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है। इसके केस में कार्पोस्पोर चूंकि डिप्लॉइड है तो ये प्लांट जो बना ये हमेशा डिप्लॉइड प्लांट होगा। तो मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, बट फिजियोलॉजिकली वन इज हैप्लॉइड अदर इज डिप्लॉइड। ये टेट्रास्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट प्लांट है। इस टेट्रास्पोरोफाइट के अंदर जो सेंट्रल साइफन पेरी सेंट्रल साइफन बने, हर एक में क्रोमोसोम नंबर 2x होगा, डबल क्रोमोसोम नंबर होगा। एंड दिस द सेल्स ऑफ दिस टेट्रास्पोरोफाइट, द ट्राइकोब्लास्ट ऑफ दिस टेट्रास्पोरोफाइट, दे फाइनली गिव राइज टू टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स का बनने का तरीका यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये टेट्रास्पोर्स बन गए हैं। ये कैसे बनते हैं कि ट्राइकोब्लास्ट की आउटर सेल जो होती है इसमें एक वर्टिकल डिवीजन हो जाता है। वर्टिकल डिवीजन होने से आउटर सेल में फिर दो डिवीजन होते हैं जिससे दो कवर सेल बन गई, और लोअर सेल जो है ये फिर इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ, इससे एक टेट्रास्पोरेंजियम बना, नीचे वाली स्टॉक सेल बनी। टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस हो जाती है। मियोसिस होने के बाद चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने, एंड दीज फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई दे अरेंज देमसेल्व्स इन टेट्राहेड्रल फैशन। टेट्राहेड्रल फैशन के मतलब है कि तीन एक तरफ होंगे, चौथा एक तरफ होगा। ये जो डायग्राम से दिखा रखा 1, 2, 3 एंड द फोर्थ इज ऑन द अदर साइड। सो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इनका चूंकि होता है इसलिए इसको हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट विल गिव राइज टू फोर टेट्रास्पोर्स, एंड दीज फोर टेट्रास्पोर्स व्हेन दे आर मैच्योर दे लिबरेट, एंड टू ऑफ देम दे गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट, टू विल गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट। फिर से ये इसी स्टेज में आ जाता है। दो इसमें मेल स्ट्रक्चर्स बनाने वाले गैमेटोफाइट होते हैं, दो इसमें फीमेल प्लांट बनाते हैं, जिसके अंदर फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफिक इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। डायग्राम के माध्यम से अभी आपने पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल देखी, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दिखाई पड़ती है। उसको आसान बनाने के लिए ये ग्राफिक लाइफ साइकिल से दर्शाया गया है कि पॉलीसाइफोनिया में कितनी स्टेजेस लाइफ साइकिल की होती हैं। पहली स्टेज है गैमेटोफाइट, जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, मेल और फीमेल प्लांट्स पॉलीसाइफोनिया के हैं वो कहलाते हैं, वो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं, वो उनको हम कहते हैं गैमेटोफाइट। उसमें से कुछ होते हैं मेल गैमेटोफाइट, कुछ होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पहले कार्पोगोनियम बनाएंगे, प्रोकार्प बनाएंगे, एग बनाएंगे, कार्पोगोनियम बनाते हैं, जो फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी आपने डायग्राम के माध्यम से देखा। मेल गैमेटोफाइट के जो ट्राइकोब्लास्ट है वो स्पर्मेटेंजिया बनाएंगे, स्पर्मेटेंजिया से स्पर्मेशिया बनते हैं जो नॉन मोटाइल मेल स्ट्रक्चर्स हैं, और एग और स्पर्मेशिया के फर्टिलाइजेशन से फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट है, जाइगोट या ऊस्पोर है। एग और स्पर्मेशिया की फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इससे फर्टिलाइजेशन हो गया आफ्टर प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, जाइगोट इज फॉर्म्ड, जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट बनने तक जो बाहर के प्लांट का पार्ट है वो एक कवरिंग इसके ऊपर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टोकार्प। इसको हम सिस्टोकार्प कहते हैं। ये सिस्टोकार्प के अंदर जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स उसमें बनते हैं। टर्मिनल सेल गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की कार्पोस्पोरेंजिया बनाती है। कार्पोस्पोरेंजिया दे गिव राइज टू कार्पोस्पोर्स। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर डिप्लॉइड बिकॉज दे आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। अभी तक ये जो स्टेज है ये डिप्लॉइड स्टेज है। एंड यू मस्ट रिमेम्बर दैट ऑल दीज स्टेजेस आर इनसाइड द गैमेटोफिटिक प्लांट।
जो गैमेटोफाइट फीमेल प्लांट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर ये स्टेजेस चल रही हैं। तो इसका मतलब है ये सारी स्टेजेस डिपेंडेंट है ऑन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पॉलीसाइफोनिया, डिपेंडेंट है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट स्टेजेस। द जाइगोट, सिस्टोकार्प, गोनियोब्लास्ट फिलामेंट, कार्पोस्पोरेंजिया, कार्पोस्पोर्स, कार्पोस्पोर्स डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं और ये जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाते हैं पॉलीसाइफोनिया का। वो बिल्कुल पॉलीसाइफोनिया के गैमेटोफाइट की तरह से देखने में होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफरेंस क्या है कि गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, दिस पॉलीसाइफोनिया का जो प्लांट कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बना है, दैट इज ए डिप्लॉइड प्लांट। एंड इन दिस स्टेज द पॉलीसाइफोनिया स्टेज इज कॉल्ड टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज, बिकॉज दिस प्लांट, ये डिप्लॉइड प्लांट जो है, ये टेट्रास्पोरेंजिया बनाएगा अपने सेल्स में, टेट्रास्पोरेंजिया बनाता है। टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस मीन्स रिडक्शन डिविजन होता है, और रिडक्शन डिविजन होने से जो स्पोर्स बनते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड स्पोर्स हैं, दे आर नोन एज टेट्रास्पोर्स। चार टेट्रास्पोर्स बनते हैं जिनमें से दो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, दो फीमेल गैमेटोफाइट नए प्लांट्स बना देते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल इतनी तीन स्टेजेस में कंप्लीट होती है। तो वो तीन स्टेजेस क्या है, ओरिजिनल गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड प्लांट, इसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट हम इसको क्यों कह रहे हैं क्योंकि इसमें डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनते हैं। ये वाली जो स्टेज है कार्पोस्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिस गैमेटोफाइट, ये कोई इंडिपेंडेंट प्लांट नहीं है, ये गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट में डिपेंडेंट है, लेकिन इस स्टेज को हम कार्पोस्पोरोफिटिक स्टेज कह रहे हैं। तीसरी स्टेज क्या है, कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से जो स्टेज बनी उसको हम टेट्रास्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं, टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट प्लांट है लेकिन डिप्लॉइड है। इस डिप्लॉइड प्लांट में जब मियोसिस होती है तब फिर से ये साइकिल रिपीट होता है, तब गैमेटोफाइट बनता है। तो ये जो पॉलीसाइफोनिया है, इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गा, बिलोंग्स टू रेड एल्गी, एंड इट शोज क्लियर कट ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन से मतलब क्या है, एक बार हैप्लॉइड स्टेज लाइफ साइकिल में आती है, एक बार डिप्लॉइड स्टेज लाइफ साइकिल में आती है। पॉलीसाइफोनिया की जो ओरिजिनल गैमेटोफाइट है दैट इज ए हैप्लॉइड स्टेज, ये वाला जो स्टेज है जो इंडिपेंडेंट प्लांट बीच में बना है ये पॉलीसाइफोनिया की कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से, दिस इज ए डिप्लॉइड फेज। सो हैप्लॉइड फेज ऑल्टरनेट्स विद द डिप्लॉइड फेज एंड दिस कंटिन्यूज इन द थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड फेज ऑल्टरनेट्स विद द डिप्लॉइड फेज, हेंस इट शोज क्लियर कट ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। सेकेंड पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, एक तो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन शो कर रहा है, आइसोमॉर्फिक का मतलब है दो बार प्लांट्स बने इसके लिए देखने से बिल्कुल एक से हैं, फिजियोलॉजिकली फर्क है। दिस गैमेटोफाइट ऑफ पॉलीसाइफोनिया एंड पॉलीसाइफोनिया टेट्रास्पोरोफाइट, दे आर इंडिपेंडेंट प्लांट्स, बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इसीलिए हमने एक टर्म दिया कि आइसोमॉर्फिक, मीन्स आइसो मीन्स सिमिलर, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकली, देखने से दोनों एक से हैं लेकिन फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है, वन इज हैप्लॉइड अदर इज डिप्लॉइड। तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि लाइफ साइकिल इज नोन एज डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल। व्हाई इट इज डिप्लोबायोन्टिक, लाइफ साइकिल में तीन फेजेस आ रही है, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, एक फेज कार्पोस्पोरोफाइट की है जो डिप्लॉइड है, एक फेज टेट्रास्पोरोफाइट है, दिस इज अगेन डिप्लॉइड, ओरिजिनल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, दैट मीन्स ट्वाइस इसमें डिप्लॉइड फेज आती है, एक बार हैप्लॉइड फेज आती है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल लेकिन दो फेजेस डिप्लॉइड है, इसलिए डिप्लोबायोन्टिक, बायोन्टिक मीन्स ट्वाइस, डिप्लोमा मीन्स डबल क्रोमोसोम नंबर, तो दो बार इसमें डिप्लॉइड फेज है पूरी लाइफ साइकिल में, एक हैप्लॉइड फेज है, तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कार्पोस्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ये इंडिपेंडेंट स्टेज नहीं होती, ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये चार पॉइंट्स इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड दिस दीज आर द जनरल फीचर्स
इट इज अ मैरीन एल्गा, ट्राइकोब्लास्ट यूनि न्यूक्लिएट होता है, सेंट्रल और पेरिसेंट्रल साइफन्स इसमें होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सेल वॉल हैज जिलेटिनस मटेरियल, अगर आप इसको टच करेंगे देखने से बुशी दिखता है लेकिन छूने में ये जिलेटिनस होता है, इट सिक्रीट्स जिलेटिनस सब्सटेंस एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज पेप्टिन एंड द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स, मैनी जेंथोफिल्स आर प्रेजेंट एंड द फाइकोबायलिन पिगमेंट्स आर प्रोमिनेंट, अमंग दीज फाइकोबायलिन पिगमेंट्स द हायर क्वांटिटी इज ऑफ फाइको इरिथ्रिन विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू दिस एल्गा, लाल रंग इसकी वजह से होता है, higher amount of phycoerythrin as I told you, and the last point is reserve food material is in the form of floridian starch, a special kind of starch, normal starch nahi hota, floridian starch hota hai, and this is the classification of this genus, it belongs to rhodophyta, it belongs to class rhodophyci, subclass floridae, order cerameus, family rhodomyliaceae, and the genus is polysiphonia.